नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी केड़ा चैनल के अंदर आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे काम में लेना चाहिए। डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है उसे काम में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एप्लीकेशन को लूजली कपल्ड बनाता है और टाइटली कपल्ड जैसी फीचर्स को रिमूव करने का काम करता है। इन फ्यूचर आप लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का ही उपयोग करेंगे। जब हम लोग प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करेंगे तो हम लोग आर्किटेक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले लूजली डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए आप लोग जो है अपने ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल के अंदर डाटाबेस यानी कनेक्शन स्ट्रिंग बना लें, जिसका नाम है डाटाबेस DIDB यानी कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन DB। और उसके बाद में आप लोग उस कनेक्शन स्ट्रिंग को रजिस्टर कर दें यूजिंग सर्विसेस कॉन्फिगर सर्विस इन द कॉन्फिगरेशन सर्विस मेथड के अंदर। यहाँ पर ऐप DB कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप लोग अपने DB कॉन्टेक्स्ट का नाम लिखें, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट जो कि नहीं बनाया है तो आप लोग बना लीजिए। इस प्रकार आप लोग न्यू फोल्डर बनाइए, डाटा टैब के अंदर जो है डाटा फोल्डर के अंदर आप लोग एक नया DB कॉन्टेक्स्ट बनाइए। तो ये सिमिलर प्रोसेस होती है कि डाटा कॉन्टेक्स्ट क्यों बनाया जाता है। डाटा कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि कोई भी प्रोवाइडर आप लोगों के पास हो तो उसमें आप लोग जो है डाटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं DB कॉन्टेक्स्ट के जरिए। तो यहाँ पर DB कॉन्टेक्स्ट लिखिए और पैकेज जो है वो DB कॉन्टेक्स्ट के लिए आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का। तो आप लोगों को कौन सा करना है मैं बता देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core.Identity.Entity Framework Core करना है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोगों को फ्यूचर में अगर आइडेंटिटी भी काम में लेनी हो गई तो आप लोग ये काम में ले सकते हैं। तो DB कॉन्टेक्स्ट को आप लोग रिजोल्व कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड की कंट्रोल और डॉट की दबाइए, ये अपने आप ही इंटेलिजेंस निकाल कर दे देगा और आप लोगों को नेम स्पेस जो है वो रिजोल्व करवा देगा। उसके बाद में आप लोग DB कॉन्टेक्स्ट के कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस जो है वो इनिशियलाइज कीजिए ऑप्शंस के साथ। आप अपने DB कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट के साथ और बेस क्लास को कॉल कर लीजिए सेम पैरामीटर के साथ। अब आप लोग एक पब्लिक प्रॉपर्टी बना लीजिए इसी की ही एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट की DB सेट के अंदर, और उसमें आप लोग अपना मॉडल जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मॉडल अगर अभी आपने नहीं बनाया तो मॉडल बना लीजिए, स्टूडेंट क्लास एक मॉडल बनाते हैं जिसमें आप लोग तीन प्रॉपर्टी हम लोग रख लेते हैं, ID और नेम प्रॉपर्टी और ईमेल प्रॉपर्टी। इन पर हम लोग जो हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को वैलिडेशन बताया है तो आप लोग वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे की के ऊपर आप लोग ID जो है वो एक की है तो आप लोग उसे इनिशियलाइज कर दें। बाय डिफॉल्ट जो नेमिंग कन्वेंशन है उसके हिसाब से ID जो है प्राइमरी की बनने वाली ही है, लेकिन हम लोग अपने डाटा नोटेशंस का इस्तेमाल करके इसको ये वैलिडेशन जो है इसमें लगा देते हैं। एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप लोग DB सेट जो है वो यूज में ले सकते हैं, पब्लिक DB सेट, और DB सेट के अंदर आप लोग क्लास ऐड कर दीजिए। ये सारी की सारी फॉर्मेलिटीज जो हैं जब आप लोग डाटाबेस से कनेक्ट होते हैं तो ये सारी आप लोगों को करनी होती हैं। तो अभी मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन स्टार्ट नहीं किया है, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मेलिटीज तो आप लोगों को करनी ही होती हैं जब आप लोग डाटाबेस के साथ कनेक्शन करते हैं या डाटाबेस एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हैं या आप लोग कहें कि कोई भी ऑपरेशन करते हैं डाटाबेस के साथ, तो आप लोगों को ये ऑपरेशंस तो करने ही होते हैं। तो ब्राउज में जाकर आप लोग टूल्स वाला पैकेज भी इंस्टॉल कर लीजिए, Microsoft.EntityFrameworkCode.Tools, और इसी प्रकार आप लोग SQL सर्वर वाला भी इंस्टॉल कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये फॉर्मेलिटीज जो हैं आप लोगों को पूरे के पूरे करनी ही होती हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगा, हम लोगों के पास तीन डिपेंडेंसी इंजेक्शन के मैथड जो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, वो है सबसे पहला है सिंगल्टन, उसके बाद में है ट्रांजियंट और तीसरा है स्कॉप्ड। तो ये तीन जो मेथड हैं हम लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं कॉन्फिगर सर्विस मेथड के अंदर, जिसमें आप लोग डिपेंडेंसी जो है वो यूज में ले सकते हैं। तो आप लोगों ने पैकेज इंस्टॉल कर लिए हैं और आप लोगों ने कनेक्शन स्ट्रिंग भी बना लिया है, उसे रजिस्टर भी कर दिया है, मॉडल भी बना लिया है, डाटा कॉन्टेक्स्ट भी बना लिया है। अब आप लोग जो है बात कर सकते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन की कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। सबसे पहले अगर आप लोगों को डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना ही है तो आप लोग कहाँ से स्टार्ट करें? अब आती है मेन बात डिपेंडेंसी इंजेक्शन की। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए सबसे पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, एक फोल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर उसका नाम मैंने रख दिया, उसमें आप लोगों को इंटरफेस यूज करना है। आप लोगों ने इंटरफेस बनाया और इंटरफेस का नाम क्या रखोगे? याद रखना नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से आप लोग स्टूडेंट का इंटरफेस बना रहे हैं, स्टूडेंट मॉडल का इंटरफेस बना रहे हैं, तो उसका नाम रखना आप लोगों को iStudentRepo। ये स्टूडेंट जो है
उसका इंटरफेस है। इस इंटरफेस अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिए उसके बारे में, कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन डिटेल नहीं होती है, सिर्फ आप लोगों की डेफिनेशन हो, सिर्फ आप लोगों का डिक्लेरेशन होता है। तो मैं यहाँ पर दो मेथड मैंने इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर कर दिए हैं, गेट ऑल, गेट ऑल के अंदर सारे के सारे स्टूडेंट रिट्रीव करूंगा, और गेट बाई आईडी के अंदर मैं सिर्फ एक स्टूडेंट रिट्रीव करूंगा, जैसे कि इसमें सिंटेक्स में लिखा गया है। अब नेक्स्ट जो है फोल्डर बनाऊंगा मैं रेपोजिटरी का। तो पहला मैंने इंटरफेस का बनाया, उसके लिए मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर एक फोल्डर बनाया, उसमें एक इंटरफेस ऐड कर दिया, उसका नाम था आई स्टूडेंट रेपो। अब मैं स्टूडेंट के लिए रिपोजिटरी तैयार करूंगा, तो उसका नाम मैंने रख दिया स्टूडेंट रेपो। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को क्या करूंगा, इस स्टूडेंट रेपो क्लास को इनहेरिट करूंगा आई स्टूडेंट रेपो से। कर लिया, अब मैं इस आई स्टूडेंट रेपो को इंप्लीमेंट कर दूंगा। वही कंट्रोल डॉट आप लोगों को अपने कीबोर्ड का दबाना है और रिजोल्व कर लेना है। जैसे ही आप लोग ये करेंगे तो दोनों के दोनों मेथड की डेफिनेशन जो है आप लोगों के सामने बन जाएगी, ऑटोमेटिकली बनेगी, आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को कीबोर्ड का कंट्रोल डॉट की दबाना है। अब आप लोगों को अपना कॉन्टेक्स्ट जो है वो रिपोजिटरी के अंदर यूज में लेना है। तो ये आप लोग कह सकते हैं कि एक रिपोजिटरी पैटर्न भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग कह सकते हैं डायरेक्टली कि ये एक रिपोजिटरी पैटर्न है, कि किस प्रकार आप लोग ASP.NET Core में रिपोजिटरी पैटर्न का इस्तेमाल करें, या आप लोग कहें कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन का इस्तेमाल कैसे करें। तो हम लोगों ने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर लिया है, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अब मैंने स्टूडेंट रेपो का एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसमें इनिशियलाइज कर दिया एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट को। अब इस DB कंटेक्स्ट की सहायता से मैंने गेट ऑल यानी कि सारे के सारे स्टूडेंट निकाल लिए, और आईडी वाइज मैंने इस कंटेक्स्ट की सहायता से स्टूडेंट निकाल लिया जिसकी आईडी मैच करेगी, जो कि URL में मैच करेगी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूंगा। तो ये स्टूडेंट रेपोजिटरी है और ऊपर वाला स्टूडेंट का इंटरफेस है। तो ये क्लास है और वो इंटरफेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंटरफेस है और रेपोजिटरी के अंदर आप लोगों की क्लास है जो कि इम्प्लीमेंट हुई है उसी इंटरफेस से। अब आप की बारी आती है कंट्रोलर तैयार करने की। कंट्रोलर से पहले आप लोग जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन सीख लीजिए। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए ज़रूरी है आप लोगों का वो इंटरफेस और आप लोगों की वो रिपोजिटरी इस कॉन्फिगर सर्विस मेथड के अंदर ऐड करना, और वो ऐड करने के लिए आप लोगों के पास तीन जो है वो आप लोगों के पास मेथड है, ऐड स्कोप्ड का है, ऐड ट्रांजेक्ट का है और ऐड सिंगलटन का है। तो यहाँ पर देखिए सिंगलटन का है, ट्रांजेक्ट का मैंने दिखा दिया है, उसी प्रकार आप लोग ऐड लिखेंगे स्कोप्ड लिखेंगे तो स्कोप्ड का भी आप लोगों के पास आ जाएगा। तो ट्रांजेक्ट हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं। ट्रांजेक्ट का मतलब होता है कि हर रिक्वेस्ट के लिए एक एंटिटी बनाएगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। सिंगलटन का मतलब है कि एक ही ऑब्जेक्ट जो है पूरी एप्लीकेशन के अंदर शेयर होगा, और स्कोप्ड का मतलब है एक स्कोप के अंदर जो है एक ऑब्जेक्ट बनेगा, दूसरे स्कोप के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसके अंदर मैंने कैसे ऐड किया, पहले आप लोगों को इंटरफेस का नाम लिखना है और दूसरा आप लोगों को रिपोजिटरी का नाम लिखना है, और अगर एरर आता है तो आप लोग रिजोल्व कर लीजिए उसको आप लोगों के कीबोर्ड की से, कंट्रोल और डॉट की से। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आप लोग बात करते हैं, कुछ डाटा डाल लेते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बता चुका हूं कि सीड कैसे करते हैं डाटा को, ताकि क्योंकि हमारे पास मैंने क्रिएट का मेथड यहां पर नहीं लिखा है इंटरफेस के अंदर, मैंने कोई भी डाटा यहां पर इंसर्ट करने का मेथड नहीं लिखा, डेफिनेशन नहीं बनाई है, डिक्लेरेशन नहीं किया है, डिलीट का नहीं किया है, मैंने सिर्फ सारे डाटा निकाले हैं स्टूडेंट के और एक डाटा निकाला है आईडी वाइज। तो मैं डाटा जो डाल रहा हूँ डाटाबेस में पहले से ही, वो मैं सीडिंग के थ्रू डाल रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखना है कि कैसे सीड करते हैं डाटा को, तो इसे जस्ट पहला वाला वीडियो जो है वो आप लोग देख सकते हैं नंबर 30 का, तो उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि डाटा को सीड करना क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही सेम वीडियो है आप लोगों के सामने, बस मैं डाटा को सीड कर रहा हूँ यहाँ पर डाटा को, और थोड़ी फास्ट प्रोसेस यहाँ पर चल रही है डाटा की सीड करने की। तो ये आप लोग इसको हम लोग बोलते हैं, जब आप लोग एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो है डाटा को इंसर्ट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं फ्लुएंट API का इस्तेमाल करना। यहाँ पर ऑन मॉडल क्रिएटिंग के अंदर जो भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ उसको बोलते हैं फ्लुएंट API, याद रखना, ठीक है। तो इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद में आप लोग माइग्रेशन लगाएंगे। माइग्रेशन पूरा हो चुका है और अपने डाटाबेस के अंदर जो है वो डाटा आ चुका है। अब आप लोगों को कंट्रोलर तैयार करना है। तो ये सारी होल प्रोसेस जितनी भी है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए है या रिपोजिटरी पैटर्न को सीखने के लिए है।
तो आप लोग कह सकते हैं कि ASP.NET Core के अंदर आप लोगों ने रिपोजिटरी पैटर्न भी सीख लिया है और ASP.NET Core के अंदर आप लोगों ने डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी सीख लिया है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी आप लोग कैसे करें। ये पहले से डाटा डालना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग क्रिएट मेथड भी बना सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं रिपोजिटरी पैटर्न के थ्रू ही। बस मैंने तो दो ही मेथड जो है आप लोगों को डेमो के अंदर एक्सेस करना बताया है, वैसे ही आप लोग इंसर्ट का भी बना लीजिए, डिलीट का भी बना लीजिए, और रिपोजिटरी के अंदर आप लोग डिलीट का कॉन्टेक्स्ट के थ्रू डिलीट कर दीजिए, रिपोजिटरी के अंदर आप लोग कॉन्टेक्स्ट के थ्रू इंसर्ट कर दीजिए और सेव चेंजेस को कॉल कर लीजिए। अब आप लोग देखिए कि कंट्रोलर के अंदर मैंने होम कंट्रोलर के अंदर जो है यहाँ पर मैं कोई भी कॉन्टेक्स्ट के द्वारा एक्सेस नहीं करूँगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो है मैंने रिपोजिटरी के अंदर इस्तेमाल में ले लिया है। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो मुझे इस्तेमाल में लेना क्या है, मुझे इस्तेमाल में लेना है इंटरफेस। तो यहाँ पर लिखिए प्राइवेट रीड ड्रॉन ली और इंटरफेस का नाम। इंटरफेस को आप लोग इनिशियलाइज कीजिए होम कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग इसे इनिशियलाइज कर देंगे इंटरफेस को अंडरस्कोर रेपो को रेपो के साथ, जैसा कि आप लोग कंटेक्स्ट के साथ करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि ये फ़र्क क्या है। फ़र्क कहने का मतलब है कि आप लोग हर बार जो है यहाँ पर आप लोगों को कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हर बार आप लोगों को कंटेक्स्ट को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक उसके अंदर आप लोगों को सिंपल सा जो है यहाँ पर रिपोजिटरी पैटर्न का इस्तेमाल करके इंटरफेस का इस्तेमाल करना है। तो इंडेक्स मेथड के अंदर मैंने गेट ऑल को कॉल कर लिया है, अंडरस्कोर रेपो डॉट रेपो किसका है, इंटरफेस का, आई स्टूडेंट रेपो का, डॉट अंडरस्कोर रेपो डॉट गेट ऑल, और मैंने व्यू के अंदर आइटम्स को भेज दिया है जैसे कि मैं भेजता आया हूँ, अंडरस्कोर रेपो डॉट गेट बाई आई डी। यहाँ पर मैंने आई डी भी यहाँ पर जो डिटेल्स के अंदर आएगी, यानी कि मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट गेट किया है और सारे के सारे स्टूडेंट गेट किए हैं, और रिटर्न के अंदर मैं भेज रहा हूँ व्यू के अंदर आइटम और आइटम्स, यानी कि सारे स्टूडेंट और एक सिंगल स्टूडेंट। अब आप लोग चेक कर सकते हैं इनके व्यूज़ जो हैं, आप लोग बनाइए इंडेक्स का व्यूज़ बनाइए और डिटेल का व्यूज़ बनाइए, और उसके बाद में आप लोग चेक कीजिए कि सारे डाटा आ रहे हैं या सिंगल डाटा भी आ रहा है। तो दोस्तों ये है डिपेंडेंसी इंजेक्शन जिस की पूरी प्रोसेस, जिसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे अप्लाई करते हैं ASP.NET Core के अंदर। और आगे के जितने भी वीडियोस होंगे दोस्तों, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को वेब API के बारे में बताऊंगा कि APIs का इस्तेमाल कैसे करते हैं, APIs के थ्रू डाटा कैसे एक्सेस करते हैं, तो उसमें सभी में मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन ही काम में लूँगा। एक सही फॉर्मेट जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन ही होता है। प्रोफेशनल जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का इस्तेमाल करके ही मैं बनाऊंगा आप लोगों को और बताऊंगा कि कैसे प्रकार। उप्स, यहाँ पर डिटेल के डाटा शो नहीं हुए हैं क्योंकि ऊपर से कोई आईडी जो है वो नहीं आई है, तो आप लोगों को आईडी भी लानी है। तो आप लोग जो है इंडेक्स मेथड में जाइए और आईडी तो सेंड कीजिए कम से कम डिटेल्स में। तो आईडी इक्वल्स टू आइटम डॉट आईडी लिख दीजिए, जिसमें आईडी जो है वो URL में चली जाएगी और आप लोगों के डिटेल के भी डाटा एक्सेस हो जाएंगे गेट बाई आईडी मेथड से। तो देखिए आप लोगों ने इंटरफेस तैयार किया, उसके अगेंस्ट आप लोगों ने रिपोजिटरी तैयार की और उस इंटरफेस को आप लोगों ने रजिस्टर कर दिया है startup.cs फाइल के अंदर, और आप लोगों ने होम कंट्रोलर जो भी कंट्रोलर है वहां पर आप लोगों ने इंटरफेस को इनिशियलाइज किया है बजाय कॉन्टेक्स्ट क्लास से। तो यही रिपोजिटरी पैटर्न होता है और यही डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा होल प्रोसेस। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर दीजिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी आप लोगों को सीखनी है। धन्यवाद।